हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो न्यू इवेंट आया है फ्री फायर प्रो लीग ड्रीम टीम, उसमें आप टीम बना के फ्री बंडल कैसे जीत सकते हो। ठीक है, आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसका आपको चांसेस है या नहीं है जीतने के, आप कैसे टीम बनाओगे, कैसे जीतोगे, क्या रूल है इसके, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सब के सब सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको टीम क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो, कैप्टन है, कैप्टन आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मुझे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है स्पोर्ट के बारे में क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ। तो आपको जो प्लेयर अच्छा लगता हो, जो प्लेयर सबसे खतरनाक लगता होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिला सके, उसको आपको कैप्टन बना लेना है। ठीक है, जैसा कि आपने कभी ड्रीम इलेवन में टीम बनाया होगा तो आपको पता होगा कि कैप्टन 2 पॉइंट दिलाता है। ठीक है, तो कैप्टन चूज करने के बाद आपको कुछ प्लेयर्स चूज करने होंगे, उस प्लेयर को आप चूज कर लेना। चूज करने के बाद आपका टीम पूरा कंप्लीट हो चुका है। टीम कंप्लीट करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे पावर अप्स दिख रहा है, तो इसमें आपको पावर अप करने से ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, पावर अप सोच रहे होगे कि डायमंड से होगा, लेकिन डायमंड से नहीं होगा। इसमें आपको सिंपली लाइव जो 3 दिन बाद होने वाला है उसमें आपको रिडीम कोड मिलेगा, और रिडीम कोड को आप जब इसमें पावर अप रिडीम कोड में डालोगे तो आपका पावर अप होगा। ठीक है, उससे आपको और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप पावर अप में बिल्कुल भी डायमंड नहीं लगने वाला, आपको लाइव देखना होगा, पूरे जितने घंटों घंटों लाइव देखना होगा, उसमें से रिडीम कोड लेके इसमें डालना होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लो, आपको टोटल पॉइंट दिखाएंगे, आपको कितने पॉइंट्स पे प्लेयर ने पूरे मिला के आपको कितने पॉइंट्स दिए, आपके रैंक क्या है पूरा इंडिया में, ये आपको शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये लीडर बोर्ड भी इसमें आप देख सकते हो कि आपसे ऊपर कितने बंदे, आपसे नीचे कितने बंदे, टॉप पे बंदे वो उनका कितना पॉइंट है। ठीक है, इसे आप कंपेयर कर सकते हो। और लीडर बोर्ड के बाद मैं आपको बताता हूँ ये जो प्राइस है, जो टायर वन में आप देख सकते हो, टायर वन का प्राइस है बंडल, टायर टू का प्राइस है लूटबॉक्स है सबबोर्ड है, डे टू में डे थ्री में आप करते जाओगे तो आपको दिखते जाएगा लूटबॉक्स सबबोर्ड और कुछ कुछ है। टायर टू और टायर थ्री वो मतलब ज़्यादा चांसेस आपको मिलने के। ठीक है, और वो बकवास भी कुछ ज़्यादा काम के है नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसको क्या मिलने वाला है। टायर थ्री है वो सबको मिलने वाला है, बस आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है टायर थ्री लेने के लिए। ठीक है, और टायर टू है सिर्फ 1% बंदों को मिलेगा। ठीक है, मान लो कि 1 लाख बंदों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें से मिलेगा सिर्फ 1000 बंदों को। ठीक है, सिर्फ 1% बंदों को मिलने वाला है ये सॉफ्टबोर्ड लूटबॉक्स बैकपैक जो भी है टायर टू में वो मिलेगा। और टायर वन तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसमें अगर लाख बंदों ने मतलब मिलियंस ऑफ अकाउंट है भाई इंडिया में, और मात्र 3 बंदों को मिलेगा, सिर्फ 3 बंदों को टायर वन मिलने वाला है जो टॉप बंडल है। समझ लो टॉप 3 बंदों को मिलेगा टायर वन, बाकी जो लाइव देखेंगे घंटों घंटों कितने लाखों लोग देखेंगे उनका टाइम बर्बाद फालतू का। तो गाइज मैंने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, तो जैसा कि आपको भी पता लग गया होगा कि बंडल आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि टॉप 3 में आना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप एकदम एक्सपर्ट हो ई स्पोर्ट के, एकदम जानते हो कि हाँ ये प्लेयर एकदम दिला ही सकता है पॉइंट, तभी आप अच्छे से प्रिडिक्शन करके लगाना और तभी आप लाइव देखना। ठीक है, नहीं तो आपका लाइव देखना बेकार हो जाएगा, क्योंकि रिडीम कोड लेके क्या करोगे जब मतलब सही प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन भाई पार्टिसिपेट कर लेना, क्योंकि एक परमानेंट डायमंड रॉयल टिकट मिल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा है, गरीना वो भी दे रही है फ्री में यार, काफ़ी है।